सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। वेलकम बैक टू सिंडिकेट, में आपका स्वागत है। आज हम हमारे शिफ्ट के अंदर DSCC की अवधि रजिस्टर करा के दे रहे हैं। कस्टमर यूट्यूब वीडियो देखने के बाद हमारे काम होगा टेक्नीशियन हूँ और काम करने की गारंटी 100% श्योरिटी के साथ में। काम पसंद नहीं है तो फिर अपने पैसे वापस चैलेंज के साथ दे रहा हूँ। ये नहीं मैं आपको बोलूँगा अभी मंगा तो मंगाओ कल मंगाओ, 100 से 200 गाड़ी भी अगली जब होगी उसका भी स्टॉक आपके पास और KTM के पास है। तो मैं थोड़ी सी गाड़ी का छोटा सा बैकग्राउंड दूँगा जो पार्ट्स के लेके है, फिर उसके बाद में लास्ट का जो वीडियो बनेगी तो पूरी जो सोल्यूशन कम्प्लीट कर सकेंगे तब हम आपको बताएंगे। आओ इधर आओ। यह वायरिंग जो हम कपड़े टू कपड़े कनेक्ट करते हैं, जो हाई राइज की वायरिंग आती है, जो हाई राइज और बेस्ट है कंपनी A1 कंपनी की किट है और प्रॉपर तरीके से काम होता है। इसमें हमने कपड़े टू कपड़े कनेक्ट कर रखा है और ये गैस्टेक की वायरिंग, गैस्टेक OP2 और ये इसका SM, ये ACM है। इसके ऊपर एक एक नंबर मेंशन होता है जो अथॉरिटी पास करके देती है और इसमें 48 पिन का ACM बॉक्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ACM बॉक्स है। और ये आ गया रेल इंजेक्टर, 4 इंजेक्टर इसके अंदर HR और गैस्टेक का सेम ही होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर। और एडवांसर की बात करें तो मोटोजेन का अच्छी अच्छे एडवांसर, ये मोटोजेन का एडवांसर है, ये मैं हर गाड़ी फ्री अपने और हर वीडियो में सुना ही होगा रेडूसर दबस्ते का। ये स्प्रिंग वाल्व और ये सिलेंडर वाल्व, ये इसका मैप सेंसर स्विच और गैस्टेक का पूरी एक पैकिंग के साथ है। और आज आपको मैं बता दूँ गाड़ी के अंदर हमने बहुत सारे चीज फ्री ऑफकोर्स कर रखी, जैसे पाइप लाइन स्टैंड फ्री ऑफकोर्स, एडवांसर फ्री ऑफकोर्स, कटिंग पाइप फ्री ऑफकोर्स, सिलेंडर का मेरा खुद का मैन्युफैक्चर, कटिंग आज पाइप का मेरा खुद का मैन्युफैक्चर फ्री ऑफकोर्स आपको लेकर। ये जो पाइपलाइन स्टैंड आप देख रहे हैं ये आपको हर जगह, आप दुकान पे जाओ किसी की भी दुकान पे, उसके चार्ज पे करने पड़ते हैं। हमने क्या कर रखा है, मुनीम छेड़ रखा है पाइपलाइन स्टैंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। यही नहीं मैं आपको सिर्फ वीडियो पे दिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और कस्टमर का क्या, क्योंकि कस्टमर का भी एक्सपीरियंस हम बाद में लेते हैं, कस्टमर जब फिटिंग होने के बाद और इसके अंदर हम जो लगाते हैं इसकी ग्रिप की बता दूँ वो सेटिंग के साथ बनता है, सेटअप के साथ बनता है। इसकी आधी डिग्गी बस्ती वैसे डिग्गी बस्ती आधी प्लस के अंदर जो नीचे बस्ती इसकी डिग्गी, इसका बहुत अच्छा स्पेस बसता है जो अपना छोटा मोटा सामान आप लगा सकते हैं। तो आप वीडियो बन रहे, वीडियो को स्किप नहीं कर, वीडियो पूरी देखें, जब तक नहीं देखो तब तक चलेगा। तो आपको मैं एंड में वीडियो देता हूँ। थैंक यू। फाइनली गाड़ी के अंदर किट लग चुकी है। गाड़ी है स्विफ्ट और स्विफ्ट के अंदर हमने CNG कम्प्लीट लगा चुके हैं और इस गाड़ी के अंदर हमने आपको वीडियो में बताया था हमने क्या क्या चीज़ फ्री दिया है। और डिग्गी खोलना भैया, और फ्रॉम KCNG सरोजी नगर इंग रोड मार्केट, ये आप देख सकते हैं और लोकेशन बाइक होकर और वहाँ पे काम चल रहा हमारे और ये सब चीज़ हमारे काम है, पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और मैं आपको थोड़ा गाड़ी का रोशन दिखा दूँ आपको, गाड़ी के अंदर हमने जो स्टैंड जो लगाया है पाइप वाला स्टैंड सभी गाड़ियों में लगाया जाता है, जिस जिस गाड़ी में रिक्वायर करती है, जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें हम पाइपलाइन स्टैंड फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रहे हैं। और कोई ऐसी वाली बात नहीं, एकदम ओके रिपोर्ट के साथ में काम हुआ है। ये सिलेंडर कवर मेरा खुद का मैन्युफैक्चर, जो पीछे डटिंग हाउस लगा हुआ है वो मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है, सिलेंडर स्टैंड कवर स्टैंड तक मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है। मैं एक बार बता दूँ आपको, हर चीज़ एक अलग ही क्वालिटी है, क्वालिटी को मेनटेन रखना हमारा एक वो है, कल क्वालिटी मेंटेन रखेंगे और आपका भी भरोसा हमेशा बरकरार रखेंगे, आपका भरोसा ना टूटे KCNG के लिए, जो KCNG को आपने फिर से सपोर्ट करके इतना यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आपको बता दूँ इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि गाड़ी किट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, किट के साथ जो आफ्टर मार्केट सर्विस उस पर डिपेंड करता है। पैसे वन टाइम तो सभी ले लेते हैं मगर आफ्टर मार्केट के बाद जो सर्विस आती है कस्टमर के लिए तो उसके ऊपर डिपेंड होता है, क्या होता है उसके बाद दुकानदार का बिहेवियर कैसा होता है। तो सबसे बड़ी बात बता दूँ बड़े भाई, जैसा टोन मेरा फर्स्ट डे है वैसा टोन मेरा लास्ट डे तक रहेगा और रहेगा, वो चीज़ क्यों मेरे काम के ऊपर एक रोड है, क्योंकि काम मेरी फिनिशिंग के साथ में और अच्छा ईमानदारी के साथ में काम होगा और आगे भी काम करते रहेंगे। ये था डिग्गी मूवमेंट का और डिग्गी का जो स्टेपनी है आप ये देख सकते हैं, मेरा स्टेपनी नीचे लगा हुआ है और हमने इसके अंदर कंप्लीट काम कर चुके हैं। अब मैं शुरू करता हूँ सुझसे सर, गाड़ी चाबी देना।
हम शुरू कर रहे हैं स्विच से। गाड़ी का जो स्विच की इंडिकेशन है, मैं आपको बताया भी, हर बार बताया, ये इंडिकेशन आ जाएगी इसके अंदर। इंडिकेशन आने के बाद आपकी गाड़ी बिलिंग करती है, बिलिंग करने के बाद जो बीप मारेगी, बीप मारने के बाद गाड़ी आपकी गैस पे चेंज ओवर हो जाएगी। तो ये आपका काम हो चुका प्रॉपर तरीके से, फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ में काम हुआ है। और इसमें हमने काम किया कपलर टू कपलर नॉन कटिंग, ओनली फॉर कपलर टू कपलर कनेक्टेड टू एंड द वायर ईसीयू कंट्रोल सिस्टम से यूनिट के साथ। अब मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ उसका यूनिट कैसा है, किस हिसाब से काम किया गया है। यह फिलिंग बाल, फिलिंग बाल का बेसिकली काम क्या होता है, जो गोली निकाल गैस भरने को, तो उसमें एक एक नंबर मेंशन होते हैं, जो ऑथराइजिंग के ऑप्शन में मेंशन होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा अप्रूव्ड है टेक्निक ऑटोमोबाइल्स के नाम से, आप देख सकते हैं उनकी वे। और एक कंप्लायंस बेल्ट लगा चुके हैं प्रॉपर तरीके से, हम आपको दिखा दे थोड़ा सा कैमरे को ऑफ करके। ये कंप्लायंस बेल्ट है और इसमें जो हमने ईसीएम बॉक्स लगाया, 48 मिनट का ईसीएम बॉक्स लगाया हुआ है। और जो ये एडवांसर है, ये एडवांसर लगाया है, मैं इसको आपको दिखा भी दूँ एडवांसर कितना यूज़ होता है, कितना काम होता है। इसके अंदर जो लाइट जलती है वो भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये लाइट जलती है, लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम इसको सेटअप करके भाई आपको इसको लाइट भी दिखाएंगे, लाइट का कैसे कैसे काम होता है। और पहले हम यहाँ पर दिखा दें आपको, रेड्यूसर डबल शेड का रेड्यूसर है, सिंगल शेड का रेड्यूसर बिल्कुल भी नहीं है, आउट पाइप बेरा, इन पाइप बेरा। अब मैं थोड़ा आपको एडवांस सेट कर दिया एडवांस। और ये कपलर्स हैं, जो कपलर टू कपलर कनेक्ट हुआ है, इसमें नॉन कपलर में कोई भी काम नहीं हुआ है। और मैं आपको इसकी जो रेल इंजेक्टर है, रेल इंजेक्टर दिखाता हूँ। रेल इंजेक्टर काम करता है हाई प्रेशर गैस को लेके लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, इवन मेनी फॉल्ट के बेसिस के अंदर। तो ये सब काम हमने कम्प्लीट कर, अब थोड़ा एडवांसर का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँ कैसे सेटिंग होती है, जो आपको कोई एडवांसर लगाने से पहले सब चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एडवांसर सेटिंग हो गया, गाड़ी एक्सीलेटर देना लगेगा। ये एडवांसर की हमने सेटिंग कर दी है, एक्सीलेटर पे कट ऑफ होता है जो आपको बत्ती जलती हो जाएगी, ये बत्ती है। ओके ये बत्ती जलती है। अब सेटअप को हमने पैक कर दो सेटअप को हमने पैक कर चुके हैं प्रॉपर्टी से, और फुल्ली सेटिस्फाइंग काम होगा। आप कस्टमर रिव्यू लेंगे 1200 किलोमीटर के बाद, क्योंकि 1200 किलोमीटर चलने के बाद ही रिव्यू लेने मज़ा जो आएगा वो मज़ा अलग ही है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आए।